Assalamu alaikum, grade 8. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. And I hope that all of you are healthy, wealthy, safe and wise. Going to school, attending your classes, enjoying with your friends, going for hangouts and eating out. And going for picnics and parties as well. But among all this busy schedule of yours, keep this in your mind. That your academics is the most essential element of your life. It should be your priority. Aapki priority aapki academics honi chahiye. Aur is priority se bhi badi priority is being obedient to your parents. And usse bhi badi priority Rabbul Alameen ka shukr guzar hona. Theek hai? Apne farais ki fikr karna. चलो आज का लेसन शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. जी ग्रेड 8, व्हाट इज द बोर्ड टेलिंग यू? द बोर्ड इज टेलिंग यू टू टेक द ग्रामर ट्री आउट इन स्पेसिफिक यूनिट नंबर 21 इन फर्दर स्पेसिफिक एंड यू विल बी डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन. कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हम जो बात कर रहे होते हैं ना वो हम इस कदर रेगुलरली उस बात को करते हैं और एक ही जुमला एक ही तरीके से इस कदर रेगुलरली लब कुशाई करते हैं या बोलते हैं कि अगला हमारी बात से बोर हो जाता है. उसको हमारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. वो हमारा कहना नहीं मानता. तो अगर हमने किसी को अपना कहना मनवाना है, किसी की बात सुननी है और उसको अपनी बात पे कन्विंस करना है तो हमको बेहतर सेंटेंसेस यूज करने हैं. ठीक है? तो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया, द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम थॉट इन डिफरेंट ग्रामेटिकल स्टाइल्स. द कोर कॉन्सेप्ट इज दैट द मीनिंग इज नॉट लॉस्ट. उसकी मीनिंग लूज ना हो. जो सेंटेंस जो कॉन्सेप्ट आप देने जा रहे हो उसकी मीनिंग सेम रहे लेकिन उसको आप डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकें. या आप एक लेमैन की उर्दू में कह सकते हैं कि हम जुमलों के साथ खेलते हैं ताकि हमारी बात जो है वो ज्यादा असर करे, वो ज्यादा इफेक्टिव हो. लोग हमारी बात सुन सुन के बोर ना हो जाएं कि यही जुमला यही बात यही सब कुछ. ठीक है? और यूं जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए हैं. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज स्क्रिप्टेड, रिमेम्बर. ठीक है? और स्क्रिप्ट लिखना, अपनी बात को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना इज गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स द जेनिथ. ठीक है? हाइट पे आपको लेके जाएगा. जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि Their essential meanings does not change. उनकी जो essential meaning है वो चेंज नहीं होती. जैसे हम ये कहें कि हिना इज अ गुड स्विमर. ठीक है? अगर हम ये कहें हिना इज एन एक्सलेंट स्विमर तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है. लेकिन अगर इसी सेंटेंस के साथ थोड़ा सा हम ट्विस्ट करें, इसको थोड़ा सा चेंज करें और हम ये कहें कि हिना इज अ गर्ल हु इज एन एक्सलेंट स्विमर. दो कॉन्सेप्ट दे दिए, दो आइडियाज दे दिए. ठीक है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन कर दिए तो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया इस सिंपल थॉट का. ना सिर्फ हमने दो आइडियाज दे दिए बल्कि हमने सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दी विद अ कंप्लीट क्लॉज. और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं. ठीक है? लेट्स से कि हम किसी से सवाल कर रहे हैं कि हिना इज एन एक्सीलेंट स्विमर, उसने मुझसे कहा, तो हम उससे सवाल, ठीक है, क्वेश्चन, इंटरोगेशन, राइट, हम ये कहें इज नॉट हिना गुड स्विमर. हमने क्या किया? हमने इस सेंटेंस को उसके इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. अफर्मेटिव यानी इसमें अफर्मेशन है. हम अग्री कर रहे हैं कि शी इज अ गुड स्विमर. ठीक है? और अगर हम इसको फर्दर ट्विस्ट कर दें और हम इसको अम्यूजमेंट में, अमेजमेंट में लगा दें, हम ये कहें कि व्हाट एन एक्सीलेंट स्विमर हिना इज, तो हमने क्या किया? हमने इसी कॉन्सेप्ट को, इसी आइडिया को एक्सक्लेमेटरी अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में
कन्वर्ट कर दिया। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, हमें पता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को ब्रीफली मैंने डिस्कस किया। आज हम मूव करते हैं अपने टॉपिक ऑफ द डे पे, और हमारा टॉपिक ऑफ द डे है चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे। द टॉप ऑफ द बोर्ड इज गिविंग यू द हेडिंग चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन होता है जब हम दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों का आपस में मुकाबला करें। ठीक है, आई एम वेयरिंग अ पिंक हिजाब बट योर हिजाब इज पिंकर, मोर पिंक देन माइन, एंड हर हिजाब इज द मोस्ट पिंक हिजाब दैट आई हैव सीन। ऑल्दो हम पिंक कलर को कंपेयर नहीं कर सकते, पिंक कलर की फॉर्म्स हैं। ठीक है, आई एम वेयरिंग अ ब्राइट रिंग, हर रिंग इज ब्राइटर देन माइन, एंड माई मम हैज द ब्राइटेस्ट रिंग्स ऑफ द ऑल। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने ये एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया अपनी ब्राइट रिंग का, और फिर मैंने ये कहा कि आपकी मामा जो है ना, हर रिंग इज ब्राइटर देन माइन। ठीक है, अपनी रिंग को और आपकी मामा की रिंग को कंपेयर किया, और फिर मैंने अपनी मामा को सुपरलेटिव कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि उनकी रिंग जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट है। राइट, समझ आ रही है ना मेरी बात? ठीक है, तो यूं मैंने इस एडजेक्टिव को, ब्राइट को, कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव तीन डिग्रीज के साथ आपको एक्सप्रेस किया, आपको समझाया। राइट, अब चलते हैं हम आज के कॉन्सेप्ट पे। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। पॉजिटिव इज सिंपल एडजेक्टिव। ठीक है, अगर आपने एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, आपने एक सिंपल एडजेक्टिव लगाया और आप ये चाहते हैं कि हम इसमें किसी के साथ कंपैरिजन डाल दें, तो हम क्या करेंगे, हम एंड और सो को ठक निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, हम देन, जो वर्ड आपका देन है ना, उसके साथ कंपैरिजन लगा देंगे। ठीक है, और यूं जो आपका अफर्मेटिव है वो नेगेटिव में, और जो नेगेटिव है वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव डिग्री को उसके कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, और इस साइन का आई होप कि आपको पता है, आप सारे साइंस पढ़ते हो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, यानी कि ये इधर भी हो सकता है और वो इधर भी आ सकता है। करते हो ना रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, जो रिवर्स हो सकते हो, है ना, तो ये रिवर्सिबल का साइन है। और यूं आपको जब आपने पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आपने सबसे पहले एंड और सो कट कर देना है, फिर आपने कंपैरेटिव उसका एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाना है। कंपैरेटिव हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं, होप आपको ये याद होगा। ये तो नहीं ना भूले, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती हैं वो हमेशा एडजेक्टिव की होती हैं और एडवर्ब्स की होती हैं। ठीक है, और आपने अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह से आप पॉजिटिव डिग्री को उसकी कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, शी इज एज वाइज एज हर सिस्टर। ठीक है, ये आपका सिंपल एडजेक्टिव है जिसमें आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, कंपेयर, और अगर आपने इसमें पॉजिटिव डिग्री लगानी है तो आप इसको ऐसे करेंगे, हर सिस्टर इज नॉट wiser than her, या आपने पॉजिटिव की एग्जाम्पल पढ़ी। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, शी इज एज वाइज एज हर सिस्टर, दो चीजों को कंपेयर किया एज लगा के। ठीक है, और अगर आपने उसको उसकी पॉजिटिव डिग्री में एक्सप्लेन करना है, तो आप यूं कह सकते हैं दैट हर सिस्टर इज नॉट वाइजर देन हर, बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम प्लेटफॉर्म, आर ऑफ द सेम प्लेस। ठीक है, तो शी इज एज वाइज एज हर सिस्टर इज द कंपैरेटिव, एंड हर सिस्टर इज नॉट वाइजर देन हर इज द पॉजिटिव। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपैरिजन, व्हिच इज चेंजिंग द कंपैरेटिव डिग्री। अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, एनी अदर इज लेफ्ट आउट, जो आपका एनी अदर है ना, उसको हम निकाल देते हैं, और एडवर्ब एडजेक्टिव को उनके सुपरलेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव को उनके सुपरलेटिव में चेंज कर देते हैं। दिस डिजाइन इज मोर अट्रैक्टिव देन एनी अदर आई हैव सीन सो फार। ये आपका सिंपल
कंपैरेटिव डिग्री है. दिस इज योर सिंपल कंपैरेटिव डिग्री. और अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखें, नो अदर डिजाइन आई हैव सीन सो फार इज एज अट्रैक्टिव एज दिस, ये आपकी पॉजिटिव आ जाता है. ठीक है, यानी कोई भी डिजाइन इतना अच्छा नहीं है जितना ये है. दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव डिजाइन आई हैव सीन सो फार, ये आपकी सुपरलेटिव. देख रहे हो एक सेंटेंस, एक कॉन्सेप्ट, एक मीनिंग को आप कितने डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हो. यही डाइवर्स टाइप्स या डाइवर्सिटी जो है ना आपकी क्रिएटिव राइटिंग में आपको 10/10 भी दिला सकती है. सो अडॉप्ट दिस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, बी मोर डिफिकल्ट सो दैट यू आर बेटर देन अदर्स. वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद आर क्लास, आर स्कूल और आर कंट्री, ग्लोबली, राइट? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस इज वन वे ऑफ चेंजिंग द कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव. लेट्स मूव ऑन टू द अदर वे. जी, जो मोस्ट अदर है उसको वेरी फ्यू से रिप्लेस कर देंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट अदर को हम वन ऑफ द अदर में रिप्लेस कर देंगे. जैसे शी इज मोर फोर्टनाइट देन मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो. ठीक है, ये आपका सिंपल कंपैरेटिव डिग्री है. ठीक है, मोर फोर्टनाइट देन एनी ऑफ द पीपल आई नो, ये आपका सिंपल कंपैरेटिव है. ठीक है, वेरी फ्यू पीपल आई नो आर एज फोर्टनाइट एज शी इज, ये आपका पॉजिटिव है. और शी इज वन ऑफ द मोस्ट फोर्टनाइट पीपल आई नो, ये आपका सुपरलेटिव है. अब यू हैव सीन हाउ दीज आर कंपेयर्ड, हाउ दीज आर फॉर्म्ड, हाउ वी हैव रिप्लेस्ड द वर्ड्स इन ऑर्डर टू टर्न देम इनटू देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज. ठीक है, आफ्टर लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज सी. एक्सरसाइज सी में आपको सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं. आपने उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उन सेंटेंसेस को चेंज करना है. ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव सीन. ये कौन सी डिग्री में है? सुपरलेटिव, बेस्ट लिखा हुआ है, गुड, बेटर, बेस्ट. ठीक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव सीन. अगर हमने इसको इसकी कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? ही इज वन ऑफ द बेटर टीचर्स दैट आई हैव सीन, फिर ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब द नेक्स्ट इज द सम इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर इन दिस चैप्टर. इसको आपने इसकी पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे हम? नो अदर सम ऑफ दिस चैप्टर इज मोर डिफिकल्ट देन दिस वन. नहीं, मुश्किल मत घबराओ, आ रहा है, आ रहा है. ठीक है, नो अदर सम इज मोर डिफिकल्ट देन दिस वन इन दिस चैप्टर, करेक्ट इन बोथ द वेज, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. ठीक है, प्लैटिनम इज मोर वैल्यूएबल देन मोस्ट अदर मेटल्स. आपने सिंपल सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? प्लैटिनम इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल. प्लैटिनम इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, किसी और चीज का जिक्र करने का जरूरत ही नहीं, सारे मेटल्स कवर हो गए हमने, सुपरलेटिव डिग्री आ गई. ठीक है, ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज फ्रेंड. ठीक है, आपने इसको कंपैरेटिव देना है. ही इज नॉट क्लेवरर देन हिज फ्रेंड, कंपेयर कर दिया. ही इज नॉट क्लेवरर देन हिज फ्रेंड,
नेक्स्ट, इट इज इजियर टू स्पीक देन टू एक्ट. ठीक है, पॉजिटिव में. इट इज नॉट इजियर टू स्पीक देन इट इज टू एक्ट. All right. Next, very few books are as popular as this one. इसको हमने दो different तरीकों से convert करना है. एक हमने डालनी है comparative degree, एक हमने डालनी है superlative degree. ठीक है, तो हम इसको comparative कैसे करेंगे? Very few books are more popular than this one. ठीक है, और next क्या होगा? This is the most popular book. आ गया समझ में? है ना? चलो, इस सिलसिले के चार सेंटेंसेस रहते हैं एक्सरसाइज सी के क्विक कंप्लीटर्स. द रोज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, पॉजिटिव के लिए आपने दो यूज करना है. ठीक है, नो अदर फ्लावर इज एज beautiful as rose. And comparative degree, rose is more beautiful than this flower. ठीक है, आपकी comparative भी हो गई, आपकी positive भी हो गई. This food is worse than what we had this morning. Positive. No food is worse. No, this food is not worse than what we had this morning. ठीक है, और इसकी comparative degree क्या हो जाएगी? This food is as bad as what we had this morning. ठीक है, आई होप ये आ गया हो. चलो यहां लिख देती हूँ. ठीक है, मॉर्निंग. अब नो अदर सिटी इन द कंट्री इज एज पॉपुलेटेड एज कराची. Comparative. No other city is more populated than Karachi. And superlative in the country. In the country, okay? Superlative, Karachi is the most populated city in the country. ठीक है, and the last sentence, he is more informative than most other journalists I know. Positive. Most other journalists I know are not as informative as him. ठीक है, और अगर हम superlative लिखेंगे तो हम लिखेंगे he is the most informative
journalist. I know. जी बेटा, क्या किया हमने आज? आज हमने की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, स्पेसिफिकली उनकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स के रिलेशन से. हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव तमाम सेंटेंसेस के साथ तरोड़ मरोड़ के उनको चेंज करना सीखा. ठीक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाजे बयां गरचे कुछ शोख नहीं है. तो अंदाजे बयां को करें शोख, इसको करें बेहतर. सेंटेंस सिंथेसिस, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे दें फोकस, ताकि खूबसूरत सी बात निकले जो सीधा दिल तक जाए. फायजा नदीम को इजाजत दें. दुआओं में याद रखना, नमाज का एहतमाम रखना, अम्मी अबू का फर्माबरदार रहना. ठीक है, हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो. विल मीट ईच अदर इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय द टाइम. अल्लाह हाफिज़.